ग्वालियर के एक गांव में पानी ने एक युवक के अरमानों पर पानी फेर दिया। और आखिर क्या है, क्या था गांव की कहानी, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की सपाट और चौड़ी सड़कों से 35 किलोमीटर दूर ये है कैथा गांव। कैथा की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आजादी के 69 साल बाद भी इस गांव में पानी का संकट आज भी बरकरार है। पानी की किल्लत के चलते कोई भी यहां अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। शादी के इंतजार में गांव के युवकों की उम्र ढलने लगी है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पानी है। चक्कर पानी का समस्या है, सबसे ज्यादा पानी समस्या है। और हमारे और साथ के लोग रह गए बहुत लोग, और बच्ची की शादी संबंध हो जाते हैं, छूट जाते हैं, बराते पानी कैसे। ना तो हेडपंप में पानी है, ना कुआं में पानी है, कहीं भी पानी नहीं है, सो नदी से भर के ला रहे हैं। काची जी गई थी शादी, ना आ रही पानी की वजह से। मैं क्यों कह दें भैया जा कही थे मैं पानी ना मसाई करें तो कहाँ करें, हम खेत का तुम्हारे पानी पास का छूत नहीं है, कब लड़की दे हम परेशानी है, क्या से मरे। कैथा को कुंवारों का गांव कहा जाता है। यहां पानी की कमी से शादियां टूट गईं। गांव में 40-50 लड़के पानी संकट के चलते कुंवारे हैं। रिश्ते की बात शुरू होती है, रस्में तय हो जाती हैं, तारीखें भी निकल आती हैं, लेकिन जैसे ही पानी के हालातों पर चर्चा होती है रिश्ता टूट जाता है। कुछ लड़के शादी का सपना सजोए उम्रदराज हो गए हैं। गोपाल की उम्र 40 के पार हो गई है, पानी की कमी से शादी नहीं हुई, वो अब शादी की उम्मीद छोड़ चुका है। सुरेंद्र समेत दूसरे युवकों की भी यही कहानी है। लोग लड़के को देख के खुश हो जाते हैं, ठीक है बढ़िया है, लड़का माँ बाप भी बढ़िया है, जमीन जायदाद भी, ये सब बात है, लेकिन मेन चीज होता है पानी और बिजली। जिस गांव में पानी और बिजली नहीं है उस गांव में कोई अपनी बच्ची कैसे दे देगा, और होते होते मने कर जाते हैं, अपनी बच्ची नहीं दे पाएंगे। कैथा गाँव के बाशिंदे मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर है। गांव में 4 हैंडपंप हैं, लेकिन उसकी हालत इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। लेकिन उसका पानी कैसा है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा सुनिए इलाके के बीजेपी विधायक इस पर क्या कह रहे हैं। यदि ऐसी समस्या कैथा में है तो पहले हैंडपंप संधारण का भी काम कराएंगे। अगर कहीं सिंगल पीस मोटर से वो गाँव की पेयजल समस्या का हल हो सकता है तो मोटर भी देने का प्रयास करेंगे। कैथा गांव की बदहाली देश के विकास के दावों को मुंह चढ़ाती है। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में भले ही विकास का दावा करें, लेकिन जमीनी हकीकत उनके दावों के आगे पस्त नजर आती है। सवाल उठता है कि आखिर कैथा गांव में विकास की इबारत कब लिखी जाएगी। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, इंडिया 24/7, ग्वालियर।